स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना केमिस्ट्री का 9 चैप्टर उपसंहारी संयोजक यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर कल लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने समावयवता को कंप्लीट किया था। समावयवता में हम लोग के दो टाइप की समावयवता दिखाते हैं उपसंहारी संयोजक यौगिक। एक जो उपसंहारी संयोजक की समावयवता दिखाते हैं वो आपके दिखाते हैं जो संरचनात्मक समावयवता, और एक आपके दिखाते हैं त्रिविम समावयवता। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता में भी हम लोगों ने कितनी टाइप की पढ़ी थी कि संरचना में चेंज करके कैसे कैसे वो समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए संरचना को चेंज करके हम लोगों ने 5-6 टाइप के पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा आयनन समावयवता। अगर आयन जो है वो टूटना अलग अलग में टूटे तो वो आयनन समावयवता। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रेट समावयवता कि H2O जो है वो आपका अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अंदर बाहर अगर एक्सचेंज हो जाता है तो समावयवता प्रदर्शित होती है। ठीक है, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था बंधक समावयवता, लिंकेज समावयवता कि जो हमारे एम्फीडेंटल लिगेंड थे, जो उभयदंतुक लिगेंड थे, अगर वो लिगेंड अपने जो दोनों डोनर एटम से एक बार में एक ही डोनर एटम से अलग अलग जुड़ जाता है, तो जैसे साइनो नाम हो गया था। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था उपसंयोजक समावयवता। उपसंयोजक समावयवता के अंदर क्या पढ़ा था कि जब हमारे धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या होते हैं, संकुल होते हैं, तो धनायन भी संकुल है, ऋणायन भी संकुल है, तो इन दोनों के आपस में किसका चेंज जाता है, या तो मेटल का भी चेंज जाता है, लिगेंड्स का मोस्टली किसका चेंज हो जाता है, लिगेंड्स का। अब जितनी संख्या से इधर से लिगेंड इसमें जाएगा उतनी संख्या से इधर से लिगेंड किसमें आ जाएगा, पहले वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा। हमेशा याद रखना है, पहले हमेशा धनायन को लिखा जाता है, बाद में हमेशा ऋणायन को लिखा जाता है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लिगेंड जब खुद ही समावयवता प्रदर्शित करता है, यानी कि पूरे कोऑर्डिनेशन यानी जो उपसंयोजक जो संकुल है उसमें और कहीं चेंज नहीं होगा। चेंज किसके अंदर होगा, लिगेंड, जो हम लोग लिगेंड ही ले रहे हैं उससे वही अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैंने आपको एक अमीन्स करके स्ट्रक्चर का क्या दिया था, अमीन्स का दिया था एग्जांपल, और एक हम लोगों ने किसका एग्जांपल पढ़ा था, 2-क्लोरोफेनिल वाला एग्जांपल पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद उपसंयोजक स्थिति, तो उसमें ब्रिज हेड वाले म्यू वाले जो लिगेंड्स थे उनके बीच में एक तो सममित स्ट्रक्चर बनती है, एक असममित स्ट्रक्चर बनती है। ओके, तो यहाँ पर हमारी संरचनात्मक समावयवता क्या हो गई थी, कम्प्लीट। उसके बाद दूसरी हमारी जो आती है वो आती है त्रिविम समावयवता। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है त्रिविम समावयवता। त्रिविम जो समावयवता होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ज्यामिति समावयवता और एक होती है आपकी प्रकाशिक समावयवता। अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे कि त्रिविम समावयवता क्या होती है। देखो, संरचनात्मक समावयवता का मतलब क्या था कि अगर संरचना में वो क्या दिखाते हैं, भिन्नता दिखाते हैं, उस वजह से अगर क्या होता है अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र उसका क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी संरचनात्मक समावयवता। अभी जो हमारी त्रिविम समावयवता होती है, त्रिविम के अंदर, त्रिविम का मतलब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, त्रिविम मतलब क्या होता है, यहाँ पर त्रिविम समावयवता स्टीरियो जो कि वो हो जाएगी आइसोमेरिज्म, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 3D के अंदर यानी कि जो उसका पूरा 3D के अंदर लिगेंडों का जो व्यवस्था क्रम होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर संरचना वगैरह चेंज नहीं होती, ओनली लिगेंडों का व्यवस्था जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज आती है। यानी लिगेंडों का जब व्यवस्था क्रम 3D के अंदर लिगेंडों का व्यवस्था क्रम जब चेंज जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवता। ओके, अब लिगेंडों का व्यवस्था क्रम कैसे कैसे बदल सकता है, लिगेंडों का व्यवस्था क्रम कैसे कैसे बदल सकता है, या तो उसकी ज्योमेट्री, जो हमने ज्योमेट्री बनाई है उसमें लिगेंड्स इधर से एक दूसरे से क्या कर ले, अपने जो व्यवस्था को क्या कर ले, परिवर्तन कर ले, या फिर प्रकाश के प्रति, प्रकाश के प्रति वो मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा डी और एल समावयवी, यदि वो कोई भी आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है या फिर वो बाईं ओर घुमाएगा, तो एक ही अणुसूत्र वाला अगर प्रकाश के सूत्र को दाईं ओर घुमा देगा तो वो डी आइसोमर हो जाएगा, अगर बाईं ओर घुमा देगा तो एल आइसोमर। ठीक है, तो ये सब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो हमारा स्टार्ट करते हैं ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता के अंदर हम लोग क्या होगा कि 3D के अंदर उसकी ज्योमेट्री यानी कि जो ज्यामितीय बनती है लिगेंड्स, ज्यामिति में क्या दिखाएंगे, भिन्नता दिखाएंगे। अब मैंने आपको इससे पहले एक समन्वय बहुफलक करके टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि लिगेंड्स किस प्रकार से जुड़े होते हैं, तब
एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मेटल के साथ दो लिगेंड जुड़े रहेंगे तो इस प्रकार से जुड़े रहेंगे, है ना, वो बहुफलक वैसे बने बनवा दिए। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर तीन लिगेंड जुड़े रहेंगे तो इस प्रकार से ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अगर चार लिगेंड जुड़े होते हैं तो टेट्राहेड्रल बनती है, तो टेट्राहेड्रल वाली ये स्ट्रक्चर बनती है, ये आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी। और एक और चार लिगेंड्स में क्या बताया था हमने, स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय, वो संरचना कैसी होती है, मेटल के साथ में यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड और यहाँ पे लिगेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गई आपकी, वर्गाकार समतलीय। उसके बाद आपके पांच लिगेंड जब होते हैं, पांच लिगेंड होंगे तो आपकी एक तो क्या है कि इसी के अंदर एक और लिगेंड जुड़ गया, ठीक है, इस वर्गाकार समतलीय के अंदर ऊपर एक लिगेंड जुड़ गया, और आपकी क्या थी एक कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस प्रकार से ये दो पिरामिड बन गए, ठीक है। तो ये हो गई थी। उसके बाद अगर आपके छह लिगेंड होते हैं तो छह लिगेंड होंगे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आपकी संरचना होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्ट फलकीय, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेटल होगा इस तरह से चार, तो क्या होंगे एक प्लेन के अंदर होंगे, ठीक है, और एक लिगेंड ऊपर होगा और एक लिगेंड आपका क्या होगा नीचे के साइड में होगा। ओके, तो इन सारे ज्योमेट्री, ये सारे ज्योमेट्रिकल जो है कॉम्प्लेक्सेस दिखाते हैं। उसके बाद सात और आठ लिगेंड है तो आठ वाला भी दिखाता है। ओके, तो आप लोग को बताती हूँ पहले कि इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामिति समानता, और देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इनको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, जी आई, ठीक है, शॉर्ट में या प्यार से इसको जी आई भी बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर जी आई, तो हम लोग जी आई भी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाना ज्यामितीय समानता की बात कर रहे हैं। ओके, तो ज्यामितीय समानता इनमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस प्रदर्शित करेंगे, देखो यहाँ पर लिगेंड है, यहाँ पर मान लो आपने कोई भी सेम लिगेंड ले लिया डिफरेंट, तो इनकी पोजिशन चाहे चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लीनियर स्ट्रक्चर ही रहेगी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें भी बात करें तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है, ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, मतलब चार लिगेंड टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं होती है, क्योंकि अगर इनमें लिगेंडो का व्यवस्था क्रम चेंज किया जाता है तो ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई संरचना प्राप्त नहीं होती है जिससे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करे। ओके, तो इन तीनों में तो होती नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी स्क्वायर प्लेनर में, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है और एक आपका प्रदर्शित करता है ऑक्टाहेड्रल, तो ये दो ही कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं, और एक आपका करता है आठ, जब आठ लिगेंड जुड़े होते हैं तो उसको डोडेकाहेड्रॉन ऐसे होते हैं तो वो भी प्रदर्शित करता है। ओके, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं, आपको दो ही देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वर्गाकार समतलीय और जो आपका ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय जब छह लिगेंड जुड़े होते हैं, तो ये दोनों आपकी क्या प्रदर्शित करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमें डिटेल से इनके बारे में ही पढ़ना है, ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ज्यामिति समानता में क्या होगा, ज्यामिति में परिवर्तन होगा 3D के अंदर, और आपको क्या लिखना है कि ज्यामिति समानता सिर्फ और सिर्फ दो किन संकुलों में पाई जाती है, एक तो वर्गाकार समतलीय, ठीक है, और एक वर्गाकार समतलीय और एक हम लोग का क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय, और एक आपका डोडेकाहेड्रॉन में भी जिसमें आठ लिगेंड होते हैं, लेकिन वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें है तो इसमें समन्वय संख्या कितनी है, समन्वय संख्या देखो मैंने आपको इन सब टर्म्स के बारे में पहले ही बताया था, और बताया था कि चैप्टर के एंड डे तक यानी लास्ट डे तक भी ये सारी चीजें आपको रिपीट 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 पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो समन्वय संख्या का मतलब क्या होगा, समन्वय संख्या क्या होती है, केंद्रीय धातु, ये जो केंद्रीय धातु है सेंट्रल मेटल जो है, केंद्रीय धातु से बनने वाले जितने भी बॉन्ड है, केंद्रीय धातु से जुड़ने वाले जितने भी लिगेंड्स हैं, वो उसके क्या कहलाएंगे, समन्वय संख्या। अच्छा, लिगेंडो की संख्या मत गिन लेना, क्योंकि लिगेंड्स बाइडेंडेड भी होते हैं, तो बाइडेंडेड दो बॉन्ड बनाते हैं, ट्राइडेंडेड तीन बॉन्ड बनाते हैं, तो इनके हिसाब से उनकी दंतुकता अलग हो गई, तो दंतुकता अलग होने से बॉन्ड भी ज्यादा हो गए, और बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे
तो उसकी समन्वय संख्या बढ़ जाएगी। तो ये मैंने आपको पहले डिटेल से समझा चुकी हूँ, मैं फिर से बस थोड़ा सा दोहरा रही हूँ कि समन्वय संख्या क्या होती है। मेटल के चारों तरफ कितने बॉन्ड बन रहे हैं वो देख लिया करो आप। तो मेटल के चारों तरफ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यानी समन्वय संख्या 4। और यहाँ पर मेटल के बाहर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 6। तो आप लोग क्या लिखोगे कि समन्वय संख्या 4 में समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक और समन्वय संख्या 8 वाले भी यौगिक क्या दिखाते हैं, ज्यामिति समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैं वो काउंट इसलिए नहीं कर रही हूँ, आपके सिलेबस में वो नहीं दिया गया है। बाकी ये मत सोच लेना कि इसमें होता नहीं, मैडम ने तो 2 ही बताए हैं, जबकि इसमें तो 3 में होता है, उसमें भी होता है, उस स्ट्रक्चर में भी होता है, लेकिन आपको पढ़ने सिर्फ 2 ही है, एक तो जो स्क्वायर प्लेनर में और एक आपको पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल में। ओके, तो दोनों आपको समझ आ गए होंगे, एक तो इसके अंदर और इसके अंदर पाया जाता है। ये चीज समझ में आई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 ही स्ट्रक्चर प्रदर्शित करते हैं, ज्यामितीय समानता 2 यौगिक प्रदर्शित करते हैं, समन्वय संख्या 4 वाले यानी वर्गाकार समतल। अच्छा, समन्वय संख्या 4 जो है उसमें ये भी आता है, आपका टेट्राहेड्रल भी आता है और वर्गाकार समतल भी आता है, लेकिन टेट्राहेड्रल शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऐसा है कि अगर मान लो इस लिगेंड को आप उठा के यहाँ लग देते हो, इस लिगेंड को आप उठा के यहाँ लग देते हो, संरचनात्मक ज्यामिति 3D के अंदर उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर नहीं पढ़ा जाता है। तो आप डिटेल से हम लोग 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यामिति समानता समझ में आई, उसके बाद कौन से यौगिक प्रदर्शित करते हैं, वर्गाकार समतलीय, और कौन से यौगिक प्रदर्शित करते हैं, अष्टलघुयक यौगिक। ठीक है, अब देखो ये प्रदर्शित कैसे करते हैं, आप लोगों ने सिस्ट्रांस पढ़ा होगा ना, सिस्ट्रांस में क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखो उसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले आते हैं अपने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे। अब देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मेटल के साथ में 4 लिगेंड जुड़े होंगे। मैं आपको मेटल के साथ ऐसे, मैं आपको ऐसे A4 कर दूं, ए यहां पर ए का मतलब आप लोग लिख लेना लिगेंड, ए का मतलब क्या है लिगेंड, और एम का मतलब मेटल, नॉट एनी नेम। ओके, एम का मतलब क्या हो जाएगा मेटल, और जो ए का मतलब क्या हो गया आपका लिगेंड। तो सबसे पहले हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, वर्गाकार समतलीय यौगिक। तो वर्गाकार समतलीय यौगिक कैसे बनते हैं आपके, इस प्रकार से बनते हैं कि मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े रहेंगे, 4 लिगेंड जुड़े रहेंगे। अब मुझे एक बात बताना, मेटल के साथ इसका एग्जांपल ले लो आप कि प्लैटिनम, Cl4 माइनस। ओके, मान लो ये कोई भी एग्जांपल है, इसके अंदर आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर लिगेंड क्या है, क्लोरीन है, और प्लैटिनम क्या हो गया आपका सेंट्रल मेटल या धातु होगी। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाना मुझे बता के, पीटी, एसीएल, एसीएल इस प्रकार से, एसीएल और इस प्रकार से एसीएल, ये आपकी क्या बन गई, PtCl4 की स्ट्रक्चर बन गई। अब मुझे ये बताना यहाँ पे कि यहाँ पर अगर मान लो इस लिगेंड्स को उठा के मैं यहाँ पे रख दूं और इस लिगेंड को उठा के मैं यहाँ पे ले आई, तो कुछ चेंज होगा क्या, मटेरियल नहीं, थोड़ी नहीं तो है दोनों, या फिर मैंने इस क्लोरीन को यहाँ भेज दिया, इस क्लोरीन को यहाँ भेज दिया, तो भी नहीं होना। किसी भी क्लोरीन को आप चेंज कर दो, कोई भी अलग संरचना आपको प्राप्त होगी नहीं। यानी कि वर्गाकार समतलीय में Ma4 टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, Ma4 जो टाइप है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी Ma4 का मतलब क्या है, जब मेटल के साथ 4 लिगेंड सेम टाइप के जुड़े होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है? ओके, तो ये आप लग दोगे तो ये ज्यामिति समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। आप लोग कॉपी में लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है, नोट्स में एड कर देना बाद में। ये हो गया एक। दूसरा कि Ma3 और X, यहां पर देखो Ma3 का मतलब क्या हो गया आपका कि आपने कोई भी यहां पर अलग लिगेंड ले लिया, और X यहां पर, या फिर आप लोगों ने क्या दिखा दिया, B, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके क्या हो गए, 3 सेम टाइप की और एक जो हो गया वो अलग टाइप का लिगेंड हो गया। सपोज प्लैटिनम के साथ में हमने 3 तो क्या जोड़ दिए,
NH3 जोड़ दिए और एक आपका जोड़ दिया आप लोगों ने CN। ओके ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, या फिर आप लोग तीन, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको कम कर लेते हैं, तीन Cl3 जोड़ दिए और एक हमने क्या जोड़ दिया NH3। ठीक है, तो Cl3 तीन है, अब हमने जोड़ दिया एक NH3। ओके तो अब मुझे बताना कि यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ये आपके दो तीन क्लोरीन हो गए, एक आपका क्या हो गया NH3 होगा, चार लिगेंड भी हो गए, चार लिगेंड हो गए, वर्गाकार ज्यामिति भी बन गई। लेकिन अभी वर्गाकार ज्यामिति के अंदर आप मुझे चेंज करके बताओ, इस क्लोरीन को आप यहाँ ले आए और इस NH3 को आप वहां ले गए, ठीक है, तो चेंज क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होना। देखो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन इधर है, ये मेटल के साथ में जुड़े हैं और प्लेटिनम है आपका मेटल, ठीक है, और यहाँ पर आप NH3 को ले गए और यहाँ पे Cl को नीचे ले आए, क्या चेंज हुआ त्रिविम में। त्रिविम का मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो ये है 3D के अंदर, इसमें क्लोरीन क्लोरीन के साइड में क्या हो गया NH3, तो इस NH3 ऐसे रेस्पेक्ट देखते हैं कि इस NH3 के दोनों तरफ क्या क्या है, इस NH3 के दोनों तरफ क्या है, क्लोरीन और क्लोरीन है, तो यहाँ पर दूसरी संरचना में भी इस NH3 के दोनों तरफ क्या है, क्लोरीन और क्लोरीन है, ठीक है, कुछ चेंज हुआ क्या, इस क्लोरीन के NH3 और Cl है तो इस क्लोरीन के NH3 और Cl है, यानी कि इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी कि जो आपके कॉम्प्लेक्स हो गए वर्गाकार समतलीय में, उसमें एक तो आप लोग लिख लेना की MA4 प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है, और एक आप लोग लिख लेना MA3B टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है। इतनी चीज आप लिखोगे कि वर्गाकार समतलीय में MA4 प्रकार के संकुल ज्यामिति समायता प्रदर्शित नहीं करते हैं, तथा MA3B और वो प्रकार के संकुल भी ज्यामिति समायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। आप चाहो तो एग्जाम्पल लिख के ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि अब हम लोगों ने क्या किया, तीन लिगेंड सेम एक लिगेंड डिफरेंट ऐसे किया, अब हम लोग क्या करेंगे, दो एक दो लिगेंड सेम और इधर भी दो लिगेंड ले आएंगे, तो तीसरी जो हमारी संरचना बनेगी वो क्या हुई कि हमने क्या किया MA2X2। यहां पर आप A लिख लेना पॉजिटिव या न्यूट्रल, पॉजिटिव या न्यूट्रल लिख लो, न्यूट्रल लिगेंड साइड में लिख लेना, ऐसे तो नोट्स में मिल जाएगा साइड, देखो ए क्या हो गया न्यूट्रल लिगेंड और एक्स जो आपका है वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, ठीक है, ए जो आपका है वो न्यूट्रल लिगेंड उदासीन लिगेंड है और एक्स जो है वो आपका ऋणायनिक लिगेंड है, ओके, यानी जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। अब देखो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि प्लेटिनम हम लोग NH3 वाला लेके चल रहे थे, NH3 का 2 और Cl2, यानी A पे उदासीन हो गया, X पे क्या हो गया ऋणायनिक हो गया, इज दैट क्लियर, प्लेटिनम NH3 2 और Cl2, ठीक है। अब एक बात सुनना, अब यहाँ पर ये जो प्लेटिनम NH3 2 है ये दो प्रकार की संरचना प्रदर्शित करेगा, दो प्रकार की संरचना प्रदर्शित करेगा, कैसी संरचना कि या तो NH3 दोनों एक ही साइड में मेटल के एक ही साइड में उपस्थित हो जाए, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पे, जैसे कि जो हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं इस ज्योमेट्री में हर लिगेंड एक दूसरे से कौन सी डिग्री पे है, 90 डिग्री पे ही है ना, तो यानी या तो क्या हो कि दोनों NH3 क्या हो जाए मेटल के एक ही दिशा में और दोनों Cl भी मेटल के क्या हो जाए एक दिशा में, एक ज्योमेट्री तो यह बन सकती है। फिर हम चेंज किसको कर सकते हैं कि ये जो मेटल के एक दिशा में है इनको हम मेटल के अपोजिट दिशा में यानी 180 डिग्री पे कर दें, तो 180 डिग्री पे कर देंगे तो कैसे संरचना बनेगी कि प्लेटिनम के इधर हम लोगों ने NH3 रखा और एक हमने 180 पे रखा और ऐसे ही Cl को हमने कर दिया, तो बताओ अब संरचना में डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, इस NH3 के एक और क्या हो गया आपका NH3 और एक और क्या हो गया Cl, 3D के अंदर देखोगे तो इस NH3 के एक और Cl तो दूसरी ओर भी क्या है आपका Cl ही है, ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो गया ना, तो यहाँ पर तो दोनों NH3 एक दूसरे के कौन से डिग्री कोण पे है, 90 डिग्री कोण पे, और यहाँ पर दोनों NH3 एक दूसरे के कौन से डिग्री कोण पे है, लगभग अपोजिट है, 180 लगभग 180 के बराबर है, क्लियर है इतना,
तो यहाँ पर दो प्रकार की आपको स्ट्रक्चर मिलती है, जब सेम टाइप के लिगेंड मेटल की एक ही दिशा या एक ही तरफ जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस समावयवी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिस समावयवी, और जब एक दूसरे के अपोजिट जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस समावयवी। सिस को इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है समपक्ष और इसको बोला जाता है आपका विपक्ष। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिस समावयवी और ये हो गया आपका ट्रांस समावयवी। तो यानी कि जब आप लोग का सिस स्ट्रक्चर को सिस देखो, सिस पोजीशन नॉर्मली क्या होता है, ये आपका मेटल है, ये आपके लिगेंड हो गए। ठीक है, तो 1 2 3 4। तो देखो सिस पोजीशन कौन कौन सी होती है, सिस पोजीशन होती है आपकी 1 2 मेटल की दिशा में, 1 2 पोजीशन सिस। अगर मेटल की इधर ये भी एक ही दिशा होगी तो 2 3 पोजीशन भी क्या है सिस है। अगर सेम लिगेंड 2 और 3 पे जुड़ा है तो भी उसको हम सिस ही बोलेंगे। अगर सेम लिगेंड 3 और 4 पे जुड़ा है तो 3 और 4 पोजीशन भी क्या होगी हमारी सिस होगी। अगर हम 1 और 4 बोले तो भी क्या हमारी क्या है सिस ही है। तो ये चारों पोजीशन हमारी क्या होती है सिस। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस के अंदर देखो ये जो 180 डिग्री पे है ट्रांस उसको कहते हैं। तो यहाँ पे 2 और 4 180 डिग्री पे है तो 2 पोजीशन और 4 पोजीशन क्या होगी ट्रांस, और 3 और 1 तो 1 और 3 पोजीशन क्या होगी ट्रांस। ओके, तो सिस पोजीशन जो होगी वो पास पास वाली पोजीशंस पे होगा और ट्रांस पोजीशन जस्ट अपोजिट पोजीशन यानी 180 पे जो होती है वो होती है। ठीक है, तो आपके स्क्वायर प्लेनर यानी वर्गाकार समतलीय संकुल के अंदर आपका जो MA2B2 या MA2X2 आप बोल सकते हो वो प्रकार के संकुल समावयता प्रदर्शित करते हैं। और कैसे समावयता प्रदर्शित करते हैं, सिस ट्रांस समावयता प्रदर्शित करते हैं। सिस के अंदर सेम टाइप के लिगेंड एक तरफ जुड़े रहेंगे, ट्रांस के अंदर एक दूसरे से क्या होंगे अपोजिट साइड से जुड़े रहेंगे। ओके, तो अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, इसको मैं रफ कर दूं, ये आपके नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं इसी फॉर्मूले में, हमारा पहले टाइप का ये बना दो, इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, मेटल हो आपका और उसके साथ मान लो 2 लिगेंड तो चलो ठीक है उदासीन वाले हो गए। जो हम लोग उदासीन लिगेंड ले रहे हैं वो मान लो अलग अलग ले लिए, सॉरी ऋणायनिक लिगेंड जो ले रहे हैं मान लो अलग अलग ले लिए। अभी क्लोरीन दोनों सेम लिए थे, एक मान लो हमने क्लोरीन ले लिया, एक हमने क्या ले लिया आप ब्रोमीन, तो एक आप लोग लिख लो एक्स और एक आप लिख लो वाई, कि वाई भी यहाँ पर क्या है ऋणायनिक लिगेंड। तो इसका उदाहरण लिखेंगे तो लिख देंगे प्लेटिनम सेंटर मेटल NH3 2। ओके, एक्स की जगह मान लो एक क्लोरीन लिख लिया, एक हमने क्लोरीन ब्रोमीन लिख दिया, तो ये एग्जाम्पल बन गया ना। अब इसमें भी क्या बन सकता है, 2 प्रकार की संरचना दिखाएगा, एक तो आपका दिखाएगा सिस और एक आपका दिखाएगा ट्रांस। सिस स्ट्रक्चर कौन सी होगी, यदि प्लैटिनम के एक ही तरफ क्या हो जाए दोनों NH3 आ जाए, एक तरफ CLBr आ जाए। ठीक है, तो ये ज्यामिति कैसी हो जाएगी सिस, क्यों हम लोग एक लिगेंड को देख के भी कंपेरिजन कर सकते हैं। तो NH3 एक डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगा सिस, और अगर मान लो ऐसे आ जाए कि प्लैटिनम इसका ट्रांस कैसे बनेगा, एक NH3 यहाँ पे आ जाए, ये आपका Br यहीं पे ठहरा हुआ है, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाए एक NH3 यहाँ पे आ जाए और ये आपका क्या आ जाए Cl। तो बताओ ये ज्योमेट्री में NH3 एक दूसरे के क्या है ट्रांस है, तो ये ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी ट्रांस। इज दैट क्लियर, समझ आया कि ट्रांस ज्योमेट्री को ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो आप। दूसरा टाइप का इस प्रकार के यौगिक भी क्या दिखाते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, कि जिनमें 2 लिगेंड अगर समान हो और 2 लिगेंड अगर अलग अलग हो तो भी वो ज्यामिति समानता प्रदर्शित करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट और लिगेंड कैसे और ऐसे कैसे हैं जो प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब तीसरा प्रकार का बनाते हैं हम लोग, तीसरे प्रकार का कैसे बनाएंगे कि मेटल हो आपका, अभी हम इन दोनों को सेम कर रहे हैं, अभी हम इन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना, अभी इनको अलग अलग कर दो, यानी कि उदासीन लिगेंड क्या है ए और बी, यानी ABCD इनसे हम उदासीन को दिखा रहे हैं, XYZ इनसे हम ऋणायनिक को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उदासीन लिगेंड 2 टाइप के हो गए आपके पास में और ऋणायनिक लिगेंड आपके क्या हो गए सेम। तो इस प्रकार के संकुल भी समानता प्रदर्शित करेंगे, कौन सी सिस और ट्रांस।
अब इसमें एग्जाम्पल ले लो इसका, कैसे एग्जाम्पल कैसे लिखोगे कि प्लैटिनम ओके उदासी लिगेंड एक मान लो हमने क्या लिख लिया एनएस थ्री, एक हमने लिख लिया एच टू, एक हमने क्या लिख लिया एच टू, एक्स की एक्स टू यानी कि क्या लिख दिया सीएल टू, लिख दिया ठीक है। अच्छा इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग, नाम नाम लिख सकते हैं ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाम है नोमेन क्लेचर, मैंने पढ़ा दिया कि यहाँ पर एनएस थ्री जीरो है, एस टू जीरो है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सीएल माइनस टू आएगा, उधर जाके प्लस टू यानी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकलगी सेकेंड दो। फिर नाम कैसे लिखेंगे, इन दोनों में से पहले नाम किसका आएगा, एमीन का है एक्वा का, एम पहले आता है तो पहले क्या आ जाएगा एमीन का, तो लिखेंगे एमीन एक्वा, एमीन एक्वा, फिर क्या आ जाएगा क्लोरीन का, कितने क्लोरीन है दो, तो डाई क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, और क्योंकि देखो हमें कॉम्प्लेक्स पे कैसा भी चार्ज नहीं दिया गया है तो इसका मतलब उदासीन है, तो उदासीन के लिए हम लोग मेटल का नाम जो है वही लिख देते हैं, तो प्लेटिनम और फिर सेकंड, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका नाम। उसके बाद सिस और ट्रांस कैसे दिखाएगा, देखो कि प्लेटिनम के ये जो दोनों सेम वाले लिगेंड है ये एक तरफ आ जाए और उदासीन लिगेंड वाले एक तरफ आ जाए, तो ये क्या दिखाएगा मेटल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिस। और ट्रांसमेट्री के अंदर क्या होगा, दोनों जो सीएल सीएल है वो एक दूसरे के क्या चला जाए 180 पे, तो ये सीएल एक दूसरे के क्या चले गए 180 पे, और एनएस थ्री और यहाँ पर क्या हो जाए एच टू, उदासीन लिगेंड एक दूसरे के 180 पे, उदासीन लिगेंड का इतना नहीं, यहाँ पर हम लोग को जो सेम लिगेंड है उसका देखेंगे, तो यहाँ पर एक दूसरे के 180, यहाँ पर एक दूसरे के सेम सेम, तो ये ट्रांसज्योमेट्री और ये सिस ज्योमेट्री ओके। तो ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म इनमें क्या होती है, वर्गाकार समतलीय यौगिकों में प्रदर्शित होती है ओके। तो वर्गाकार समतलीय यौगिकों के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको समझ आ गई होगी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे कि लिगेंड हमारे कैसे होते हैं, एक दंतु मतलब जो एक ही डोनर एटम अपना देते हैं, एक ही डोनर एटम अपने जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन ने अपना लिगेंड देगा है ना, एनएस थ्री या नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब हम लोग बात करते हैं द्विदंतुक की, द्विदंतुक मतलब तीन मैंने आपको पढ़ाए, एक तो मैंने पढ़ाया ईएन, एक मैंने पढ़ाया ओएच, एक मैंने पढ़ाया आपको जीएनवाई, बताओ इथिलीन ईएन का मतलब हो गया इथिलीन डायमीन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है NH2 CH2 NH2 CH2 NH2 ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई इथिलीन डायमीन की। OH का मतलब होता है ऑक्सलेटो, उसकी स्ट्रक्चर क्या है COO नेगेटिव COO नेगेटिव, और आपको बताया था दोनों की आधी आधी स्ट्रक्चर ही क्या होती है ग्लाइसिनेटो की, तो CH2 NH2 ये आपकी क्या होती है ग्लाइसिनेटो। इनमें दो डोनर आइटम ये होते हैं, इनमें दो डोनर आइटम ऑक्सीजन होते हैं, इसमें दो डोनर आइटम एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, इस पे चार्ज जीरो, इस पे माइनस टू, इस पे माइनस वन, इतना सब हमारा क्लियर हो चुका था। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित होने के लिए आप लोग एक चीज देखना है याद से कि हमारी समन्वय संख्या कितनी होनी चाहिए, चार। समन्वय संख्या चार होगी इसका मतलब द्विदंतु कितने लिगेंड जुड़ सकते हैं, दो। तो अगर हमने प्लैटिनम के साथ में अगर हमने दो इथिलीन डायमीन जोड़ दिए ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखो कैसी बनेगी, प्लैटिनम सीएस एनएस टू सीएस टू एनएस टू सीएस टू, ऐसी सी बनेगी ना, क्योंकि समन्वय संख्या चार हो गई, वर्गा चार मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनने चाहिए, चार चार बन रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी हुई है ऐसी। अब आप क्या करोगे इसको फ्लिप भी कर दो, इसको फ्लिप कर दो, किधर भी फ्लिप कर दो, होना तो NH2 ही है ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऑक्सलेटो के साथ बनाते हो तो ऑक्सलेटो के अंदर भी यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, सेम ही रहेगा। इसलिए इनको जब हम लोग ज्योमेट्री को चेंज करेंगे तो कोई ज्यामिति में परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए ये वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते। तो आप लोग क्या लिखो, एक की समान द्विदंतु, समान क्योंकि समान है ना, इनमें समान है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ही है और नाइट्रोजन ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, तो ये तो प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन अगर मान लो असमान वाला है, असमान जैसे कि क्या हो गया आपका ग्लाइसिनेटो, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। देखो कैसे, ऐसा मान है जैसे कि मैंने मान लो प्लेटिनम के साथ क्या ले लिया ग्लाइसिनेटो, कितने मोल 2 मोल।
अब हम इसकी संरचना बनाते हैं। तो इसकी संरचना ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर क्या है, सी सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव एन सी एच टू और एन एच टू, यही है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, प्लेटिनम के साथ में कौन जुड़ेगा, ओ ओ, फिर क्या सी डबल बॉन्ड ओ, इस सी डबल बॉन्ड और के साथ कौन जुड़ रहा है सी एच टू, तो सी एच टू, और सी एच टू के साथ कौन जुड़ रहा है एन एच टू, और ये भी अपने क्या देता है इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसने मेटल के साथ बॉन्ड बना लिया। फिर आप एक मोल जुड़ा अभी तो, और दूसरा मोल जोड़ोगे तो ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू के साथ कौन, सी डबल बॉन्डो के साथ सी एच टू, फिर इसके साथ एन एच टू और इसके साथ बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बन जाती है। इस स्ट्रक्चर में देखो, आप इस स्ट्रक्चर में फ्लिप करके चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो देखो कि यहाँ पर दोनों क्या है सीओओ ऊपर है, यहाँ पर भी सीओओ क्या है ऊपर है, एन एस टू और सी एस टू नीचे है, एन एस टू सी एस टू नीचे है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सिस, ठीक है। अब हम लोग फ्लिप करके क्या कर सकते हैं, मान लो किसी एक को आपने फ्लिप कर दिया, इसको आपने फ्लिप कर दिया ऐसे, जो मैं इसकी त्रिविम में व्यवस्था चेंज कर दी, इसको फ्लिप ऐसे है, इसको आप ऐसे ले, तो देखो क्या होगा, देखना यहाँ पर तो आपने कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पर आपने ऐसे लिखा सेम सी एस टू और एन एस टू, ओके यहाँ पर सेम कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन अगर आपने क्या किया इसमें, किया इसमें आपने यहाँ से इसको फ्लिप करके ऐसे कर दिया, तो बताओ ये एन एस, ये ऐसे ऊपर आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एन एच टू तो बताना जरा, ट्रांस स्ट्रक्चर नहीं दिख रही क्या आपको, कि ये एक दूसरे के सेम है, एक दूसरे से ट्रांस है, ये दोनों सेम है एक दूसरे से क्या है ट्रांस है, ये दोनों सेम सेम है ऊपर की साइड है, ये दोनों सेम सेम है नीचे की साइड है, तो ये वाली सिस हो गई और ये वाली ट्रांस हो गई। तो द्विदंतुक लिगेंड में सिर्फ और सिर्फ असमान वाले क्या दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, समान वाले नहीं करते। तो ये बात हो गई किसकी, वर्गाकार समतलीय यौगिकों की। तो वर्गाकार समतलीय यौगिकों के अंदर इस प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग क्या कर दे सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वर्गाकार समतलीय यौगिकों का क्या हो गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वर्गाकार में एम ए फोर नहीं दिखाएगा, एम ए थ्री बी नहीं दिखाएगा, लेकिन कौन से दिखाएंगे, एम ए टू एक्स टू, एम ए टू एक्स वाई और एम ए बी एक्स टू या वाई टू, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, ये दिखाएंगे और ये दिखाएंगे। और अगर द्विदंतुक की बात आती है तो द्विदंतुक लिगेंड्स में समान वाले द्विदंतुक जिनकी लिगेंड्स डोनर एटम दोनों में समान है, जैसे सी एस टू एन एस टू, एन एस टू एन एस टू होते हैं, और ऑक्सिलेटो में ऑक्सीजन ऑक्सीजन होते हैं, तो वो भी क्या नहीं दिखाते हैं, ज्यामिति प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें असमान की ग्लाइसिनेटो की, तो वो ज्यामिति समानता प्रदर्शित करेगा। ओके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अष्टफलकीय संकुल में, तो वो पढ़ेंगे हम लोग कल, उसके बाद कल प्रकाशिक समानता, यानी कल समानता टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने आप अच्छे से नोट्स बनाइए, और एक दो चीजें इसमें से जो वीडियो में ऐड करके लिखनी है वो लिख लेना, तो नोट्स जब आपको मिले तो उसमें वीडियो वापस से आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है।